हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों का, देवियों का स्वागत अभिनंदन है। आज सोमवार भगवान शिव जी का दिन है और भगवान शिव जी को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं और देवों के देव कहलाते हैं। और उन्हीं का प्रकरण बालकांड में बड़े विस्तार से तुलसीदास जी ने समझाया है। पार्वती और शिव जी का जीवन चरित्र क्या था और आज जो है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और सोमवार का दिन है और भाद्र मास चल रहा है दोस्तों। लेकिन अभी शिव जी की उपासना लगातार चलते आ रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हमारे जीवन में हमको शिव रामचंद्र जी, शिव जी और पार्वती की भक्ति का जो विस्तार से हम वर्णन कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यह है कि हमारी साधना, किसी भी मानव की साधना जितनी गहरी हो, हमारी साधना जितनी गहरी होगी, हमारी साधना की नींव उतनी ही मजबूत होगी और उसकी मजबूत नींव का हम अगर आत्म बोध करते हैं और आत्म साक्षात्कार करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं अपने आप में, तो एक इस प्रकार का एहसास होता है उसकी पताका, जैसे हम अपने झंडे को लहरा करके उसकी पताका लहराते हैं, उसी प्रकार के भाव हमारे मन में पैदा होते हैं। दोस्तों हम आध्यात्म का आलीशान भवन बना सकते हैं। हम अपने मन मंदिर में आध्यात्म का आलीशान भवन बना सकते हैं। आध्यात्म साधना में अधीरता ही नहीं, गहराई की जरूरत होती है। इसके लिए हमको डीप ढंग से अपने को विचारने की ज़रूरत होती है, जिसमें उतर कर आत्म परिष्कार की प्रक्रिया पूरी कर साधन धीरे धीरे अपनी मंजिल को ओर अग्रसर होता हुआ आगे बढ़ता है हमारी साधना जो है। और ध्यान की अनंत गहराई में डूब कर हम अनंत ध्यान में गहरे समुद्र में अगर अपने गोता लगाने लग जाते हैं, तो हमको एक समाधि की स्थिति प्राप्त होती है और हम आत्मबोध, जितने भी ऋषि मुनि थे पहले उनको इसी प्रकार का ज्ञान था, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति ही हमारी साधना का सबसे बड़ा मानक है दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, साधना में अधीरता और शीघ्रता नहीं है। साधना जो है धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आती है, हमारे इंद्रियों में आती है, हमारे शरीर में आती है। और साधना के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है दोस्तों धैर्य की। हमारे पास धैर्य होगा, हम किसी भी कार्य के संचालन को धैर्यवान, किसी जितने भी पुण्यात्मा हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए थे, जितने भी बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है वह धैर्यशाली होते हैं। क्योंकि चढ़ाए हुआ पढ़ाई में हो, किसी पद में हो या कहीं पर हो, उनके अंदर धैर्यता पूर्ण रूप से समाहित होती है। और साधना के लिए दोस्तों इसी धैर्य की आवश्यकता होती है और इसी धैर्य को एक जगह कहा भी है दोरो, धीरे धीरे रे मनाओ धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोघड़ा ऋतुआए फल हो। यानी कबीरदास जी ने ये कहा है, कबीर धीरज धरे हाथी मन भर खाए, तूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। यानी मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और जब यह निश्चल होएगा तब पाओगे ठौर, बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत होई, बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत होई, धीरज सबको मित्र है करी कमाए न हो। इस प्रकार धीरज की महिमा का गुणगान कबीरदास जी ने भी किया है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों हे मन। वह कहते हैं कि हे मन,
धैर्य धारण कर और धीरे धीरे सब कुछ जो होने योग्य है सब कुछ संपन्न हो जाएगा। और माली जिस प्रकार सैकड़ों घड़े जल सींचता है, पेड़ों को सींचता है, परंतु समय आने पर ही फल की प्राप्ति हमको, जब समय आता है, समय काल होता है, उसका समय पूरा होता है, तभी हमको फल की प्राप्ति होती है। तुरंत नहीं, यानी अविलंब हमको कोई चीज़ नहीं मिलता है। धैर्य धारण करने से अपने स्थान पर ही हाथी मन भर का, यानी हाथी जो है मन भर का आधार पाता है, परंतु वह टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर दौड़ता है। एक ही एक टुकड़े के लिए जो है कुत्ता जो है घर घर दौड़ता है। शरीर व संसार की जब अर्हता या ममता नष्ट हो जाती है, उसकी वास्तविकता नष्ट हो जाती है, तो तभी स्वरूप हमारे अंदर में एक बोध प्राप्त होता है, जिसको आत्मबोध हमको प्राप्त होता है। जब यह मन अपने आप में ही निश्चल हो जाएगा, जब हमारा मन अपने आप में भी निश्चल हो जाएगा, हमको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, तभी हमें स्थिति की, कोई भी स्थिति की प्राप्ति होगी। हम उस स्थिति पर तब पहुंच सकते हैं। बहुत बीत गया, थोड़ा और बाकी है, मन में अधीर मत हो। मन धैर्य ही सबका मित्र है। बहुत दिनों में की हुई कमाई, बहुत दिनों की जो कमाई हुए, हमारी साधना रूपी जो कमाई है, को व्यर्थ ही नष्ट मत करो। उसको निराधार, यानी उसका उसकी महत्ता को जानिए, उसकी क्षमता को जानिए, उसकी वास्तविकता को जानिए, यानी हमारी साधना में क्या चीज़ हमको प्राप्त होता है, अगर हम धीरे धीरे उस कार्य को संपन्न करेंगे। यानी अतः हम साधना में धैर्य रखें, और क्योंकि बीज बोते ही रातों रात वृक्ष नहीं उगता है। कोई भी पेड़ पौधा होता है, कोई भी हम लगाते हैं, तो अगर हम उसको बीज बोते हैं तो रातों रात एक दिन में उसकी प्राप्ति नहीं होती है। उसमें पुष्प हैं, फल हैं, पत्तियां हैं, धीरे धीरे लगती हैं। और इस अपनी साधना में धैर्यपूर्वक हम कार्य करते रहेंगे तो एक दिन हमारी साधना का बीज एक विशाल फलदायी वृक्ष की तरह काम करेगा, और उसमें सुगंधित पुष्पों के साथ साथ मधुर फल भी लग सकेंगे। मधुर फलों की हमको प्राप्ति होगी, इसीलिए साधना में धैर्य की जरूरत है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को साधना हमारी क्या होती है, इसी प्रकार शिव भगवान थे, नारद जी का प्रकरण है, याज्ञवल्क्य दी हैं, और अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अनेक प्रकार से भगवान की साधना करने के लिए, अनेक प्रकार से रामजन की साधना में कितने लोग रत थे, और भगवान शिव जी भी अपने स्वरूप को पूरा साधना में लीन रहते थे। तो कल के प्रकरण में दोस्तों हमने यही पढ़ा था, यानी भगवान ने जब शिव जी जब कामदेव ने सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया कि श्री रघुनाथ की माया बड़ी प्रबल है, और जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे यह वह मोहित न कर सके, तब भगवान नारद जी ने ऐसा काम चरित नारद सब भाषी जदय प्रथम भरत शिव राखी अति प्रजन रघुपति के माया जिन मोह अशको जगवाया। यानी तब भगवान विष्णु के पास जब उन्होंने गए, शिव जी की बातों से वह उतने संतुष्ट नहीं हुए, तब वह विष्णु भगवान के पास गए, रुख बदन करी वचन मधु बोली श्री भगवान तुमरे सुमिरन तैमित ही मोह मार मलमान। यानी भगवान रूखा मुँह करके, यानी उनको भी संतुष्ट नहीं हुई, जब शिव जी नहीं बता पाए हम क्या बता पाएंगे करके, तो मुनिराज आपका स्मरण करने से, तब उन्होंने रूखे मन से कहा, बाहरी मन से कहा कि मोह है, काम है, मद है, अभिमान है, ये आपकी कृपा आपका स्मरण करने से वह दूर हो जाते हैं। और फिर आपके लिए तो कहा, आपका तो कहना ही क्या है। यानी कोई आदमी अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है तो भगवान ने दूसरा आदमी भी उसको हाँ ठीक है ऐसा कह देते। इसी प्रकार भगवान ने भी उसकी परीक्षा की कि नारद को इस प्रकार का घमंड, यानी जब वह कामदेव को जीत गए थे और कामदेव की उन पर कुछ नहीं चली, तब नारद जी ने अपने घमंड
के भाव से भगवान का प्रदान किया, भगवान ने भी उसकी बातों को इस प्रकार से व्यंग कसा उनके ऊपर, तो सुनि मुनि मोह सोई मुनि राखी ज्ञान विराग हृदय नहीं राखी, ब्रह्मचरण व्रत रतमति धीरा तुम्हें ही कहें मनोरथ धीरा। यानी हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है, माया मोह जो भी ये जंजाल सांसारिकता होती है उसके मन में होता है, जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है, जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है वही मोह का वास्तविक रूप है। और आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं, लीन हैं, आप ब्रह्मचर्य व्रत में लीन हैं, उसमें तत्पर रहते हैं और बड़े धीर बुद्धि हैं, यानी बहुत धीरता का आपके बारे में आप धीर हैं, यानी भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है, तो ऐसे धीर लोगों को कामदेव कभी सता सकता है। इस प्रकार के भाव भगवान विष्णु ने जब शिवजी के बाद उसे संतुष्ट हुए तो कामदेव अपनी बड़ाई को सुनने के लिए अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा की, और नारद कहूँ तो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारे सकल भगवान करना निधिवन दी विदारी उलंगे। दोस्तों इस संसार में हर एक आदमी अपनी प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है कि मेरा कहीं से सम्मान हो, मैं प्रशंसा का पात्र बनूं, चाहे मैं गलत भी कर रहा हूं तो उसमें भी लोग मेरे से अच्छा कहें और मेरी प्रशंसा कहें, क्योंकि यही साधना होती है दोस्तों। जब हम अपनी असली साधना का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने विकारों को, अपने दोषों को, अपने गलत विचारों को छोड़ करके, उनको त्याग करके वास्तविक भगवान की शक्ति में आच्छादित हो जाते हैं, उसी में वशीभूत हो जाते हैं, उसी के अनुरक्त हो जाते हैं, वही साधना का रूप है। लेकिन नारद का भी सही अभिमाना, तब नारद जी ने अभिमान के साथ कहा। अब जब भगवान विष्णु भगवान ने भी ऐसा कह दिया तो उन्होंने अभिमान के साथ क्या कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। तब हम कहते हैं अरे हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो अरे आपने ये कर दिया, सो कर दिया, वो कहता है अरे यह सब आपकी कृपा है, और अपना मन मनाने के लिए अपने मन में संतुष्टि का आभास होता है। लेकिन ये पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। यानी साधना जो मैंने आपको शुरू में बताया, तो साधना की वास्तविकता की अज्ञानता के कारण लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, और प्रशंसा अपने हृदय से अगर कोई करे वही वास्तविक चीज़ है। दोस्तों करना निधान भगवान ने के मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ से भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, ये बहुत घमंड में आ चुके हैं, इनको गर्व हो गया है। जब इंसान को घमंड हो जाता है तो वह ऊंची ऊंची बातें करता है, अपनी धरती को नहीं देखता है, वह आसमान की बातें करता है और ऊंची ऊंची उड़ानों की बात करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको कर दिया। तो इसी प्रकार के नारद जो जब कामदेव ने उनकी समाधि को मैं बाधा डालने की कोशिश की तो वह उसमें विजयी हुए, नहीं कर पाए, और तभी उनको अपार घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो इसी मारे वह उनके अंदर वास्तविक साधना की का भाव नहीं था और मन में अनेक प्रकार के गर्व, इस प्रकार का गर्व हो गया मान लो एक वृक्ष जो है, अनेकों प्रकार के वृक्ष में अनेक प्रकार के अंकुर पैदा हुए और उनके दिमाग में अनेक प्रकार के मायाई भाव पैदा हो रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कोई किसी से कोई हुआ नहीं है, अब मैं परिपूर्ण हो गया हूँ, बेग ईश्वर डरे हूँ उखारी बन पन हमार सेवक हितकारी मुनि कर हित सम कौतुक होई अवश्य उपाय कर मैं। यानी मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूँगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है, मैं अवश्य ही वैसा उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब भगवान कहते हैं कि मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूँगा, उसको घमंड हो गया है, तो सेवकों का हित करना हमारा प्रण है, हम इसी संकल्प से इस संसार की सृष्टि को रचना करते हैं, और जो संसार में इस प्रकार की धृष्टता करता है और मानवता के विरोध में कार्य करता है तो अवश्य ही हम उसको उखाड़ फेंकते हैं भगवान की नज़रों में। वह भगवान की नज़रों से जब एक बार अगर भगवान की नज़रों से गिर जाता है कोई तो वह सफल नहीं पाता। तो इस प्रकार के प्रकरण हैं, मुनि का कल्याण मेरा खेल है। तब नारद हरि पद सिरनाई चले हृदय अश्विन अधिकाई श्रीपति निज माया पर वेरी
सुनऊ कठिन करनी करे तेही केरी, यानी तब नारद भगवान के चरणों में सिरनवा कर चली, नमन करके जब भगवान ने उनकी थोड़ी प्रसन्नता कर दी तो वह चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया, बहुत अभिमान बढ़ गया। तब भगवान विष्णु भगवान ने उनसे कुछ नहीं कहा, तब लक्ष्मीवादी भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब भगवान ने जब दुष्टों को ज्ञान सिखाना होता है, दुष्टों को सही मार्ग पर लाना पड़ता है, अभिमानी लोगों को जब अत्यंत बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है तो भगवान किसी न किसी प्रकार उसकी परीक्षा लेते हैं और उसी परीक्षा के अनुरूप उनको उसके घमंड को अपने आप ही कम कर देते हैं। अब उसकी कठिन करनी सुनो, यानी उन्होंने किस प्रकार के कठिन कार्य किए उसका वृतांत तो भगवान विष्णु भगवान बता रहे हैं। वीर जऊँ मग महू नगर तेही सरजो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अजको रसना, यानी उस हरिमाया के रास्ते में 100 योजन 400 कोष का एक नगर रसा, उन्होंने 400 कोष का एक नगर रस दिया। उस रास्ते में जिस रास्ते में वो जा रहे थे उस नगर में भांति भांति की रसनाएं, लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर इस प्रकार का उन्होंने बना दिया। और नारद की परीक्षा का समय आ गया है, तब उन्होंने ऐसा किया, बसई नगर सुंदर नर नारी जनगर मुनि मन शिज रति तनुधारी तेही पूर्व बसई शील निधि राजा अगणित हई गए शील समाजा, यानी उस नगर में ऐसी सुंदर नारी भांति भांति के अनेक प्रकार की नारी और नर नारी रहती थी, मानो बहुत से कामदेह, यानी उनका स्वरूप उनका रूप रंग गुण आकार में अनेकों कामदेह पैदा हो गए हैं। उनका रूप रंग गुण शील पार जो भी था वह अनेकों कामदेव उनके समान था, सब ऐसे ही लगती थी। और उनकी स्त्री जो थी, उनकी जो पत्नियां थी, उनकी अर्धांगनी थी, वह रति के का समान, रति और कामदेव दोनों पति पत्नी हैं और उनके रूप को के लिए भगवान ने उनको इस संसार में पैदा किया। और वह रूप के मायावी थे और मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे। उस नगर में शील निधि नाम का राजा, एक शील निधि नाम का राजा रहता था और जिसने वहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह की टुकड़िया और इस प्रकार से उसने अपने साथ सज्जा जो भी साथ सज्जा थी वहाँ पर साथ सज्जा थी उसको रखा था। वह जो राजा था वह शील निधि नाम का जो राजा था उस नगर में उन्होंने बसाया, उस नगर में था। सद सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीत निवासा विश्व मोहिनी तास कुमारी श्री विमोह निहार। तब उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था, यानी इस प्रकार से धनी था वह विशाल और इस प्रकार से उसकी विलासता थी, वैभव था, धन था, दौलत था अनेक प्रकार से, और यानी 100 इंद्रों के बराबर उसके पास सामान था। उस राजा जो राजा थे शील निधि नाम के जो राजा थे और तेज उनके पास रूप था, तेज था, बल था और नीति का घर था और उसके विश्व मोहिनी नाम की सुंदर रूपवती कन्या थी, यानी विश्व मोहिनी और शील निधि नाम के जो राजा थे उनकी कन्या थी वह बहुत ही सुंदर दिखती थी और उसका नाम रूपवती था और जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, यानी वह इतनी सुकुमारी थी, इतनी अच्छी लगती थी, इतनी सुंदर थी कि लक्ष्मी जी भी उनसे मोहित हो जाती थी, प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी उनके रूप रंग गुण और सुंदरता को देखकर भी। सोई हरिमाया सब गुण खाली शोभा तार की जाय करें स्वयंवर सोन पाला आई तहाँ अग्निमय पाला। तब देखिए विचित्र माया है, सृष्टि की रचना है। तुलसीदास ने किस प्रकार से नारद के अभिमान घमंड को कम करने के लिए किस प्रकार की रचना भगवान विष्णु द्वारा रचाई गई और शील निधि नाम के राजा और उनकी सुंदर कन्या जो थी वह रूपवती थी तो उसका वृतांत था। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया नहीं जा सकता है, अवर्णीय है और उसका वृतांत नहीं किया जा सकता है। तब राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, वह राजकुमारी जैसे आम लोगों में शादी होती है उसी प्रकार स्वयंवर की प्रक्रिया होती है तो अनेक लोगों को भेजा जाता है, जो उस योगी जो वर होते हैं उनको आमंत्रण किया जाता है। पहले ज़माने में लोग राजा लोग स्वयंवर किया करते थे अपनी पुत्री का, जो
हजारों में जो एक अच्छा होगा उसी से अपनी अपनी कन्या का विवाह करने का वचन देते थे। इसी प्रकार जनक राजा ने भी स्वयंवर किया जिसमें रामचंद्र जी से सीता जी की शादी हुई। अनेकों ऐसे वृत्तांत हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे नीति में, हमारे संस्कारों में और हमारे शास्त्रों में विद्यमान है, हमारे संस्कारों में विद्यमान है। तो इसी प्रकार उन्होंने भी इसी प्रकार की राजकुमारी का स्वयंवर करने का मन बनाया और इससे वहाँ अगणित राजा, अनेक प्रकार के अनगिनत राजा वहाँ पर आए और सभी ने अपने अपने बातों अपने अपने उसको रखा। मुनिकौट की नगर कहीं गया हूँ, पूर्वा सिंह पूछल गया हूँ, सुनी सब चरित भूप ग्रह आई, करी पूजा मुनि बैठाई। यानी खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए, तब नारद जी जो है वो भी वहाँ पहुँच गए और नगरवासियों ने उन्हें उन्होंने सब हाल पूछा, सब समझा कर सुना कि राजा के महल में आए हैं। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। काम नारद जी जो थे ऋषि मुनि थे, अनेक जगहों के समाचार ले जाते थे। एक तरफ जहाँ देवताओं के सबके समाचार उनके पास रहते थे, सबकी सूचना रखते थे, सबको अपना अपना अपनी राय देते थे। इस प्रकार नारद जी एक तरफ से भक्ति करते थे, दूसरी तरफ उनको जब उन्होंने कामदेव की उनके ऊपर नहीं चली तो उनको घमंड आ गया और उसी घमंड में वह जो है साधना की वास्तविकता को भूल करके अपने मार्ग से हटने लगे, अपने मार्ग से विचलित होने लगे। तो खिलवाड़ी मुनि महाराज जी उस नगर में गए और नगरवासियों ने उन्होंने सब हालचाल पूछा। तब राजा जो शील निधि नाम के राजा थे और वह रूपवती जो विश्ववोहिनी नाम रूपवती थी उसके पिताजी थे, उन्होंने उनको सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहूँ ना अनुगुण दोष स्वभाव एक ही हृदय मिला। तो राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया। तब वह राजकुमारी जो रूपवती नाम की राजकुमारी थी, अपनी पुत्री थी, उनको नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष को बता दें। तो वह ज्योतिष भी जानते थे उनके, यानी वह भूत भविष्य वर्तमान के बारे में लोगों का जानते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने उनके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में पूछा। देख रूप मुनि विरति अभिसारी, बड़ी बार लागी निहारी, लक्षण दास विलोक जुलानी, हृदय रह रही प्रगटानी। देखिए दोस्तों, इस बार कितना विचित्र वर्णन है। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गई। तब बड़े बड़े लोग भी कभी कभी क्या होता है, किसी के रूप रंग को देख करके और अपने काम वासनाओं को, अपनी भावनाओं को और अपनी इंद्रियों में साधना नहीं रख करके विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार के अनेक मुनियों के भी इस प्रकार के प्रकरण हैं। इसी प्रकार उसके रूप को देखकर मुनि अपने बैरागी को, जो बैरागी यानी संसार की माया मोह में जो पड़े हुए थे, वह अपने बैरागी को भी भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे और उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। यानी उन्होंने स्पष्ट लक्षणों में उनके क्या लक्षण हैं उसका प्रतिपादन नहीं किया। वह एक तरफ से भ्रमित हो गए और उन्होंने अपने वैराग्य में आकर के वह माया मोह के जंजाल में या काम वासना के जंजाल में फंस गए। जो यही बराई अमर सोई होई, समर भूमि थी जीत न कोई, से वहीं सकर सरातर का ही परई सी निधि कन्या। यानी जो रूपवती पुत्री शील निधि की पुत्री थी, तो लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, अपने मन ही मन में कहने लगे, वह कुछ तो जानते ही थे और शास्त्रास्त्र का उनको ज्ञान था, तो वह जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा हमेशा के लिए, वह अमरत्व की प्राप्त कर देगा और रणभूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकेगा। कोई भी जो इससे विवाह करेगा और अगर रण युद्ध होगा रणभूमि में, उसको कोई नहीं जीत सकेगा। जिस प्रकार रामचंद्र जी और सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उसमें अनेकों राजाओं को बुलाया गया था, तो सीता भगवान जनक जी ने ये वचन कहा था कि जो शिव जी के इतने विशाल धनुष को तोड़ पाएगा उसी से मैं सीता का स्वयंवर करूँगा।
लेकिन अंततो गत्वा भगवान रामचंद्र जी में यही शक्ति थी, मर्यादा की रचना करनी थी, पूरे दुष्टों का संहार करना था। तो भगवान रामचंद्र जी को जब कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया, तब भगवान रामचंद्र जी अपनी शक्ति के और साधना के बल पर और इस विश्व की रचना करने के लिए, संसार की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए और एक स्त्री से विवाह स्वयंवर को संपूर्ण करने के लिए उनको शिव जी का धनुष तोड़कर सीता के स्वयंवर में स्वयं को शामिल किया और खुद धनुष को तोड़ करके पूरे जनक जी के कष्ट का निवारण किया। तो इसी प्रकार दोस्तों, तो अनेक प्रकार से नारद उस रूपवती जो लड़की जो पुत्री थी उसके बारे में सोच रहे हैं। लक्षण सब विचार राखी कछु बनाए रूप आवे, सुता सुलक्षण कही न बाही, नारद चली सोच मन माही। तब सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राधा ने कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया और राधा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी अपने वहाँ से चल दिए। उन्होंने उस प्रकार की भाव उनसे कहे और उनके मन में यह चिंता थी कि कैसे जाए सोई जतन विचारी, जी प्रकार मुई भरे कुमारी, जब तप कछु न हो तही काला, हे विधि मिला ही कवन विधि वाला। देखिए ये होता है, तो मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही भरे। तब नारद जी ने इस प्रकार की वह वैराग्य को भूल गए थे और इस कन्या को रूपवती को न भरे, इस प्रकार के विचार नारद जी के मन में आए। जब तब से जो कुछ भी नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। अब वह भगवान से खुद करने लगे कि मैंने कामदेव को वह कर दिया और मैं मुझमें घमंड आ गया। तब वह अपनी मायावी शक्ति में माया में विचलित हो गई, माया के रूप में आ गई, उनको बैरागी होकर के उस रूपवती कन्या में उनका मन चला गया। यही अवसर था यूँ परम शोभा शोभा रूप विशाल, जो बिलोग रिझे कुंवरी सब मिली गई बात। यानी उस इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और जब जयमाल मेरे गले में डाल दे। यानी वह कहने लगे कि मुझे इस प्रकार का भारी और इस प्रकार का सुशोभित शरीर अपना बनाना है, इस प्रकार की बनावट बनानी है, यानी मेरा इस प्रकार का रूप हो जिससे मेरा शरीर जो है पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाए और वह राजकुमारी जो है मेरे को चुने और मेरे से स्वयंवर करे और इसके अलावा किसी दूसरे के जयमान न डाले। इस प्रकार के भाव उनके मन में उद्गार उनके मस्तिष्क में आने लगी। जब इंसान को घमंड हो जाता है दोस्तों, वह अपनी मर्यादा को भूल जाता है, अपनी परंपरा को भूल जाता है, अपने भावों को भूल जाता है, अपने संस्कारों से विचलित हो जाता है। इसी प्रकार नारद जी में भी इस प्रकार के भाव पैदा हुए। हरि संग मांगू सुंदरताई हो वही चार भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय हो। यानी एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूँ। तब उन्होंने कहा कि भगवान मेरी सब बात मानते हैं, तो मैं उनसे सौंदर्य और मेरा सुंदरता का शरीर मांगूं और उनके पास जाने से बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार से नारद अपने मन ही मन कर रहे हैं, इसीलिए इस समय वही मेरे सहायक हो सकते हैं। यानी यह स्वयंवर का टाइम है, इसमें भगवान ही मेरे सहायक हो सकते हैं, मुझे वही उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से वह अपने मन में सोच विचार करने लगे। बहुविधि विनय कीन थी काला, प्रगट बहुत ही कुकरवाला, प्रभु बिलोग मुनि नयन जुड़ानी, हो ही काज ही भरसानी। यानी उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, आराधना करने लगे। जब लीलामयी कृपालु प्रभु वहाँ प्रकट हो गए, तब भगवान ने वहाँ पर साक्षात रूप में प्रकट होना पाया कि नारद जी के घमंड को कैसे पूरा किया जाए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, ठंडे हो गए और वे मन ही मन बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा, भगवान प्रकट हो गए हैं, भगवानों के मुझे दर्शन हो गए हैं, मैंने जो मन में अपना सोचा था वह कार्य पूरा हो गया है। अब मैं रूपवती से स्वयंवर करूँगा और वही मेरे गले में माला डालेगी। इस प्रकार के विचार नारद
महाराज जी उसमें पूरे रूप से माया में बध गए। तब अति आर दि कहीं कथा सुनाई करूँ कपाल गई हो सहाई आवन रूप देख होई आने बाज नहीं पाई। ये सब भगवान विष्णु भगवान की कृपा थी। तो नारद जी का घमंड कैसे चूर किया जाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अपने मन से कोई भी कार्य भगवान करते थे और सोच करके यानी सोच करके हर पग पर सोच करके करते थे। इसी प्रकार नारद जी के पूरे विचारों को उनके मन की उक्तियों को सोचते हुए भगवान ने इस प्रकार की रचना रची। तो नारद जी बहुत ही दीन होकर यानी दुखी होकर सब कथा जो ये शादी वाली स्वयंवर वाली कहानी थी वह भगवान से वह अर्थाली और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए कि कृपा करें मुझे सहायक बने मेरे आप इसमें मित्र हैं आप मेरी सहायता करें। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए यानी अपने स्वरूप को आपका जो स्वरूप है विशाल स्वरूप है इस रूप को मुझे आप दे दीजिए और किसी भी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता अगर किसी भी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता और कोई उपाय नहीं है जो कि उस राजकन्या को जब तक आप अपना रूप मेरे को नहीं देंगे तब तक मैं उस राजकुमारी को नहीं पा सकता। उन्होंने पूरा वृत्तांत को उधर बता दिया। जय विधि नाथ हो ही तमोरा करम सुरो विदास में तोरा निज माया बल देख विशाला ही हसी बोली दीन दयाला। तब हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो जिस प्रकार से मेरा उपकार हो कोई भी भगवान से अगर आराधना करते हैं तो विनय करते हैं विनती करते हैं इसी प्रकार नारद तो अपने घमंड से दूर होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप वही शीघ्र कीजिए मैं आपका दास हूँ अपनी माया का विशाल बल क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी थोड़ी सी प्रशंसा बाहरी मन से की थी लेकिन नारद को ये मालूम नहीं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं ये बाहरी रूप से ये इन्होंने ऐसे शब्द बोले। तो दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। तब भगवान विष्णु भगवान ने क्या कहा देखिए जय विधि हो यही परम हित नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब नान कसु पसंद मसाम यानी हे नारद जी सुनो जिस प्रकार आपका परम हित होता है आपका जिस प्रकार भलाई होती है हम वही करेंगे हम वही उपाय करेंगे दूसरा कुछ नहीं हमारा वचन असत्य नहीं होता है यानी हम जो कहते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान जो भी करते हैं वही होता है हो वही सोई जो राम रचि राखा करूँ राम ने जो रचा है वही होता है इसी प्रकार के भाव भगवान विष्णु ने कहा। तो कुपस माग रुज व्याकुल रोगी वैद न हो नौमन रोगी यही विधि तुम हित तुम्हार में थयऊँ कहीं ऐसे अंत रहित भय प्रभु भय हूँ यानी हे योगी मुनि सुनिए रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्यम आ गए तो वैद उसे नहीं देता है। जो रोगी होता है अगर वह बहुत ही परेशान होता है व्याकुल होता है अगर वह गलत दवा को मांगता है तो वैद्य उसको कभी गलत दवा नहीं देता है। इसी प्रकार तुम भगवान की भक्ति में साधक हो अपने साधना से तुम विचलित हो रहे हो तो तुमको मैं और आप एक सुंदरी के लिए इतना मोहित हो गए हो इस प्रकार के भाव भगवान ने उनको सुनाए और इस प्रकार मैं तुम्हारा हित करने की ठान ली है ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान ने अंतर्ध्यान हो गई उन्होंने केवल इतना ही कहा कि रोग जो भी रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे यानी गलत दवा मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है वैद्य उसको कभी नहीं देगा गलत चीज़ें वो नहीं देगा क्योंकि उसकी उसका नुकसान हो जाएगा उसकी हानि हो जाएगी उसकी लोगों में मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान भी अगर कोई हमसे गलत साधना के करता है अगर मैं कहता हूँ भगवान से मेरे को चोरी करने में सफलता कर दीजिए मेरी साधना वो कर दिए तो भगवान कभी मेरे को आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे भगवान उसी को देंगे जो सही मार्ग पर चल रहा हो जो अपने रास्ते पर चल रहा हो जिसका जो कार्य हो वह कर रहा हो वहीं पर भगवान संतुष्ट थे। तब भगवान ने वहाँ पर अपने आप ही वह अपने मन में ठान ली और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई यानी वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माया विवश भई मुनि मूढ़ा समझी नहीं हरि मुनि घोड़ा गह गौनी तुरंत जहाँ ऋषिराई जहाँ स्वयंवर भूमि लाई भगवान की माया से के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए ऐसे पागल हो गए ऐसे ऐसे अज्ञानी हो गए कि वे भगवान की
अगुड़ यानी इतनी गुड़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। भगवान ने कितना संकेत उनको किया था उसको वह नहीं समझ सके। ऋषिजा नारद तुरंत वहाँ गई और वहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई और जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी और वहाँ चले गए। भगवान ने केवल इतना ही कहा तो वह उनकी बातों को समझ नहीं पाई क्योंकि उन वह माया की शक्ति में विरत थे और रूपवती को से वह उनके मन में ऐसा भाव हो गया, उनका मन इस प्रकार से विचलित हो गया। दोस्तों इस संसार में भगवान ने इस प्रकार की सृष्टि में रचना की है कि हर व्यक्ति का हर जगह पर कोई न कोई ढंग से परीक्षा होती है। उसी परीक्षा में हमको जब मुनि नारद जैसे योगी लोग जो हैं उस भगवान के चक्कर में फंस गए और मायावी शक्ति में वैराग्य को त्याग करके वह अपने पथ को अपने रास्ते से विचलित हो गए, तब निज निज आसन बैठे राजा, तब वहाँ पर जब नारद जी वहाँ पर पहुँच गए, भगवान ब्रह्मलोक को चले गए, तब वहाँ बैठे बहु बनाए कर सही समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोही तजी आन ही बार ही मोरे। यानी राजा लोग खूब सज धज कर वहाँ पर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो गए कि मेरा रूप सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर दूसरे को कभी नहीं बर सकती है। इस प्रकार से भगवान ने उनको सुंदर रूप दे दिया, ऐसा भगवान बोलते हैं कि सुंदर रूप दे करके दे गए। वह मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन रूप न जाय बहाना, सोई विचित्र लखी काहु न पावा, नारद जान सभी। लेकिन कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया, वह सोच रहे थे हमको रूपवान बना दिया, लेकिन उनको तो भगवान ने कुरूप बना दिया, इस प्रकार का रूप बना दिया कि जो उनको जैसे वह थे उससे तो कितना खराब उनको बना दिया, क्योंकि भगवान ने उनकी परीक्षा की थी और उनके घमंड को दूर करने के लिए जिसका वर्णन भी इस प्रकार का कुरूप शरीर उनको बना दिया, पर वह चरित्र कोई भी नहीं जान सकता है। उस प्रकार की जो भगवान की शक्ति होती है, भगवान की मर्यादा होती है, भगवान की शक्ति होती है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। यानी सबसे सब ने उन्हें नारद जानकर प्रणाम किया और तब सब ने उनको नारद जानकर के उनको प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जान सब विप्रवेश देखत भी रही परम कौश हुई थी। वहाँ तो शिव जी के गण भी थे, भगवान शिव जी के जब शिव जी की बात उन्हें नहीं मानी तो अब विष्णु भगवान के पास गई, तब विष्णु भगवान ने उनकी रूखे मन से उनकी प्रशंसा की और उनको उसी प्रशंसा में घमंड हो गई और वह विष्णु भगवान के वहाँ से चले गए। रास्ते में जाते जाते उनको इस प्रकार के राजा मिले और राजा मिलने के बाद वह राजा अनेक प्रकार से वह नगर को उन्होंने सजा दिया, भगवान ने इस प्रकार की लीला रची और वहाँ पर एक राजा थे जो कि उनकी रूपवती कन्या थी और वह राजा ने अनेक प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार की रचना की थी कि राजा की पुत्री जो थी बहुत ही सुंदर और शीलवान थी, तो नारद अपनी भक्ति से विचलित होकर करके तो वहाँ शिव जी के गण जहाँ वह स्वयंवर में चले गए, यानी वह उस पुत्री से उनकी पुत्री से मोहित हो गए, तब उन्होंने अपने माया की और भगवान विष्णु जो है उनको कुरूप दे करके वहाँ से चले गए। तब जब वहाँ शिव जी यानी नारद वहाँ पर गए तो वहाँ शिव जी के गण भी थे, जब वहाँ पर स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर शिव जी के तब वह पूरा भेद वृत्तांत उसके बारे में जानना चाहते थे, ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते गए। उन्होंने शिव जी के गण जो है वहाँ पर छोटे ब्राह्मण का भेष बनाकर वहाँ पर आए। पहले जमा भगवान कभी भी ब्राह्मण रूप में हैं, कभी किसी रूप में हैं, अपने रूप को दिखाते हैं, किसी के घमंड को किसी की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार के रूप परिवर्तन करने पड़ते हैं। हनुमान जी ने जब वह लंका में गए थे तो मक्खी का रूप धारण किया था, अनेक प्रकार से उन्होंने अपना छोटा रूप धारण किया था और मशक समान रूप धरा आकर के, ऐसा रामायण में है, तो मशक के समान उन्होंने अपना रूप दिया और जब विशाल रूप भी उनको देना पड़ा और जब सीता जी के पास गए तब उन्होंने अपना रूप बदला। इस प्रकार से पहले भगवान की शक्ति इतनी थी कि वो अपना रूप परिवर्तन कर देते थे। इस प्रकार भगवान शिव जी ने के गण थे वह भी ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए, तो
दोस्तों जही समाज बैठी मुनि जाई हृदय रूप अस्मित अधिकारी जहाँ बैठी महेश गण रो विप्रवेश गए लखनऊ को। यानी नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर बैठे तो शिव जी के दोनों गण ही वहाँ बैठ गए। यानी शिव जी के जो दो गण शिव जी ने भेजे थे वह गण भी वहीं पर बैठ गए जहाँ पर नारद जी। तो ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। यानी ये किस साल में यहाँ पर आए हैं, किस वेश में आए हैं, किन्होंने इनको भेजा है, इनकी क्या परीक्षा हो रही है, तो इस प्रकार के गण वहाँ पर आए थे। करहीं कूट नारद सुनाई नीक दीन राई री जही राज कुमारी सभी देखी यह इन्हीं बारही हरी जान मिशीसी। यानी वे नारद को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते हैं, तब वह व्यंग वचन कहते हैं, अनेक प्रकार की खरी खोटी सुनाते हैं कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देकर राजकुमारी रीज ही जाएगी, अवश्य ही वह नाराज हो जाएगी, भगवान ने उनको कुरूप बना दिया है, इनको मालूम ही नहीं है, हरि बानर जानकर इनको खास तौर से भरेगी। यानी हरि बानर जानकर इनको खास तौर से भरेगी। यानी इस प्रकार के व्यंग वह कस रहे थे, ये बंदर का जैसा रूप, वास्तव में भगवान ने उनका बंदर का जैसा रूप बना दिया था। मुनि मऊ मन हाथ पर आई रंज रंगन करे लाई तरह भी सुने ही मुठी अटपटे बानी समझ न पाई बुद्धि ब्रह्म बानी। यानी नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हार माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, मुनि उनकी जो अटपटी इस प्रकार की व्यंग भरी बातें थी उनको सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में शनि हुई थी उनकी बुद्धि जो है वैराग्य को त्याग करके वह मायावी शक्ति में माया में बहने जा रहे थे, उनकी बुद्धि बिगड़ हुई। कहते हैं जाको प्रभु जी दारुण दुख ने देना ताकि मट्टी पहले हर दे। यानी भगवान जिनको विपत्ति प्रदान करते हैं, विपत्ति में डालते हैं, तो उसकी मट्टी को उसके कार्यों को देख करके उसके अपने मार्ग में चल जो सही ढंग से चल रहा है वह अगर हमारे से विचित हो जाता है किसी माया इस चीज़ को देख करके या किसी माया की शक्ति में बैठ करके। इसी प्रकार नारद अपने मार्ग से हट करके, अपने भावों से हट करके, अपने विचारों से हट करके एक अच्छे मुनि होने की मायावी शक्ति में जब वो आ गए तो उनको अपने मन ही मन भ्रम होने लगा और उनके समझ में नहीं आ रही थी और बातों को वो बड़ी और कोई भी उनसे कोई बात करा था भगवान विष्णु जी से उनने जो बात करी, शिव जी से जो बात की और जो शिव जी के गण वहाँ पर आए थे स्वयंवर में उनसे बात की, तो वह सबसे जब इंसान गलत रास्ते पर जाता है तो अगर गलत भी कोई कहता है उसको भी वो अच्छा ही समझता है कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन उनको अनेक प्रकार के व्यंग थे, भगवान उनकी इस प्रकार से कठिन परीक्षा ले रहे थे कि वह उस परीक्षा में सही नहीं उतरी। का हो न लखा सो शरीर विशेषा सो स्वरूप नर कन्या रूप देखा मरकट बदन भयंकर देही देख रही क्रोध नहीं। तब वह रूपवती जो कन्या थी इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, जिस प्रकार की रचना की गई है भगवान विष्णु ने इस प्रकार की दाल रचा और केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा, जो राजकन्या थी उसी ने उसके वह रूप देखा और उनका बंदर का सा मुंह भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तो वह कन्या जो है भयंकर क्रोध से विचलित हो गई और उन्हें कहा ऐसे इस प्रकार की, तो नारद अपने मन ही मन अपना खुश हो रही थी लेकिन भगवान ने उनको इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, इस प्रकार का वह दे दिया, दंड दे दिया कि उनको जो है हमेशा के लिए पछताना पड़ा और राजकुमारी जो है जो रूपवती थी वह उसे उनके बंदर के जैसे स्वरूप को लेकर के बंदर का जैसा रूप बना दिया, तो वह बहुत ही नाराज होगी, क्रोधित होगी। तब सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राजमराल देखत फिर महीप सब कर सरोज। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी राज हंसनी चल रही हो, इस प्रकार की सुंदरता थी। जिस प्रकार भगवान राम जी का विवाह हुआ था, स्वयंवर हुआ था, तब सीता जी अपनी सखियों के साथ, इसी प्रकार का वृत्तांत वहाँ भी है दोस्तों। तो वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाली सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी।
तब उसको सब राजाओं को आपस में देख रही है कि किसको मैं बरूं और किसको ना बरूं, कौन अच्छा है कौन नहीं। सबसे पहले तो जब नारद जी के बंदर के जैसे रूप को देखकर देखा उसने, तो बहुत ही नाराज हो गई, अंदर अंदर क्रोधित हो गई, नारद जी को मालूम ही नहीं। तो दोस्तों, भगवान की एक ऐसी लीला होती है, तो उस लीला को अगर हम वास्तव में भगवान की भगवान अगर किसी भी कोई भी जैसे नारद जी ने अपने चरित्र का हनन किया और चरित्र की मान मर्यादा को तिरस्कार किया और भगवान और अनेक प्रकार के घमंड के बल से अपने घमंड से पूरे जो विश्व में एक प्रकार का गलत संदेश गया, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में वह जो है तो वह उस परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाई और उन वह इस संसार में वैरागी जो लोग होते हैं उनको दीन और माया मोह से कोई लालसा नहीं होती है, वे अपने कार्य में निपुण रहते हैं, जो श्रेष्ठ मुनि होते हैं। लेकिन नारद जी वहाँ पर विचलित हो गई, भगवान ने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा में इस प्रकार का वृतांत जो मैंने आपको सुनाया, पूरा राजकन्या हुई, राजा हुए, वहाँ इस प्रकार का माल बसाया, उसने स्वयंवर की बड़ी रूपवती नाम ही था उसका, सुंदर सी स्वभाव भी थी। तो नारद जी ने का रूप भगवान विष्णु ने इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया कि उनको बंदर का रूप बना दिया और उनको पता ही नहीं कि भगवान मेरी किस प्रकार से परीक्षा ले रही हैं। तो दोस्तों, भगवान हमारी कहीं पर भी परीक्षा किसी रूप में ले रहे हैं। आगे क्या वृतांत, अब वह जब जो रूपवती हैं वह अपना माला लेके सखियों के साथ घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं, अनेक प्रकार के राजा वहाँ आए हैं, तो वह किसको बरेंगी, कैसे वह स्वयंवर होगा, कैसे आगे क्या होगा, उसका वृतांत तो दोस्तों कल के प्रकरण में, आज का प्रकरण बस इतना ही। तो दोस्तों, एक बार इसी परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ, महाभारत में जैसे विदुर एवं दुर्योधन के मध्य संवाद आता है, अनेक प्रकार के संवाद आते हैं जिसमें विदुर दुर्योधन से प्रश्न करते हैं, अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं कि तुम दुर्योधन एवं युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए, तब जब दोनों को पढ़ाने वाले आचार्य एक ही थे, यानी दुर्योधन के भी वही थे और युधिष्ठिर के भी वही आचार्य थे, तो दोनों के आचार्य एक ही पढ़ाते थे, दोनों के सहपाठी एक थे और साथ में पढ़ने वाले भी एक थे, तब क्या कारण है कि एक जैसा परिवेश मिलने पर भी युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना जाता है? अगर किसी भी व्यक्ति को एक ही प्रकार का परिवेश मिल रहा है, अगर दो भाई हैं, दो बच्चे हैं, अगर वह एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही प्रकार का परिवेश मिलता है, एक ही प्रकार का स्कूल मिलता है, तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते उनको समान प्रकार का व्यवहार मिलता था, समान का परिवेश मिलता था, तो और जो युधिष्ठिर थे वह धर्म के प्रतीक बने, उन्होंने धर्म की मर्यादा को माना और सदा श्रेष्ठ आचरण, उनके आचरण की गाथा आज हमारे इतिहास में, हमारी परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में उनकी मर्यादा हमेशा मानव धर्म के लिए बहुत ही रचनात्मक है। और जबकि दुर्योधन सदा अधर्म के, यानी धर्म से जो विहीन हैं और अनीति नीति से जो परे हैं के पथ पर चलता और दुराचरण करता था, पूरे महाभारत में इस प्रकार का वृतांत है। तो दुर्योधन हमेशा अनीति और अत्याचार में चलते थे और युधिष्ठिर हमेशा सत्य मार्ग के अनुयायी थे, तो एक ही साथ पढ़ने वाले, एक ही साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले, एक ही व्यक्ति के द्वारा शिक्षा लेने वाले, इनमें इस प्रकार का अंतर क्यों है? तो प्रत्युत्तर में जब उसका उत्तर मिला, तो उत्तर में दुर्योधन ने तब विदुर और दुर्योधन के बीच की के बाद का संवाद है, तब दुर्योधन जी ने उसमें जवाब दिया उसका, जाना मी धर्म न चौ मी प्रवृत्ति, जाना मी अधर्म न चौ ती निवृत्ति, को ने अपि देवीन हरि स्थित तेना यथा नियुक्तो अस्मि तथा करो, यानी जानामि धर्म न चौ मे प्रवृत्ति,
अर्थात मैं जानता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन तब प्रत्युत्तर में दुर्योधन ने कहा, अर्थात मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है और परंतु उस ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं धर्म की नीति को के मार्ग में जाना ही नहीं चाहता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, और वह निपुण है वह भी चाहता है कि मैं अधर्म क्या है वह भी जानता हूँ, परंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। मैं तो इस संसार की मायाई शक्तियों से भरा हुआ हूँ, मेरे ऊपर अपार अज्ञान का भंडार भरा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई शक्ति मेरे हृदय में आसीन है, कोई इस प्रकार की शक्ति मेरे हृदय में है और वह जिधर मुझे नियुक्त कर देती है मैं वहीं कर्म करने को तत्पर हो जाता हूँ। यानी मैं मेरे को गलत कहो तो गलत ही करता रहूँगा, सही करूँ तो गलत, यानी मेरा कोई नियम धर्म और मान मर्यादा नहीं है। मैं जहाँ जहाँ मेरे को फायदा लगता है मैं उसी तरफ ढल जाता हूँ। आसुरी वृत्ति के लोगों का आचरण इसी प्रकार का होता है, यानी जो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, उनकी प्रवृत्ति में यही होता है कि वह न धर्म और धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को नहीं समझ सकते हैं, उसको नहीं जान सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों भगवान कहते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या करना है क्या नहीं करना है इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो शुचिता होती है, न ही वे श्रेष्ठ आचरण कर सकते हैं और न ही वे सत्य का पालन कर सकते हैं, ये निश्चित है दोस्तों। और शुचिता का अर्थ मात्र बाहर की स्वच्छता, जब हम आप कहते हैं शुचिता का मार्ग अपनाना है तो शुचिता केवल बाहरी आवरण से हमारे अंदर नहीं दिखता है, बल्कि मन है, हमारे विचार हैं और भावनाएं हैं और पवित्रता से भी ये जागृत होते हैं, इससे शुचिता का अब के भावों का बताता है। इससे पूर्व मतलब इस प्रकार का आचरण होता है, तब महाभारत में विदुर और दुर्योधन के मध्य जो संवाद हुआ था, दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आसुरी वृत्ति के लोगों का आचरण इसी प्रकार का होता है और मैं जो है सब जानता हूँ धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं धर्म, ऐसा लगता है कि मानो कोई शक्ति मेरे हृदय को मेरे हृदय में इस प्रकार का भूत चढ़ा हुआ है जिससे मैं अज्ञान रूपी अंधकार की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त रहता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार हम अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कारों से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार नारद जी भी एक ही मुनियों के साथ रहने पर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ मुनियों के संगत में रहते थे, भगवानों के संग रहते थे। कभी कभी इंसान को अपने ऊपर अपनी वासनाओं के कारण और अपने वैराग्यपन को, अपने भगवान की शक्ति के को भूल जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने इसी प्रकार के मानव की रक्षा करने के लिए और मानव को अपने वैराग्य से दूर होने के, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के रास्ते को का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य के अनुसार रहना चाहिए। भगवान किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी स्थिति में हमारी परीक्षा ले सकते हैं, उसके लिए हमें हमेशा नितांत जागरूक रहना चाहिए, अपनी चेतनमय रहना चाहिए। और भगवान किसी को साक्षात रूप में नहीं बताते हैं कि मैं हम क्या कर रहे हैं, वह उनकी दिव्य दृष्टि होती है, उसी दिव्य दृष्टि में उनकी अपार शक्ति होती है। इसी प्रकार नारद जो है वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाए, जिससे वह अपने मार्ग से कुमार्ग की तरफ गए और वह मायाई शक्ति में फैल गए। भगवान ने उनका रूप बदल करके उनको कुरूप कर दिया और उनको बंदर बना दिया, बंदर का जैसा रूप कर दिया। तब जिससे वह स्वयंवर करना चाहते थे, उनकी इच्छा शक्ति को ख़त्म करने के लिए, उनके घमंड को घमंड का चूर करने के लिए भगवान ने इस प्रकार की रचना की। और आगे दोस्तों अब जो रूपवती होती हैं राजा की पुत्री, वह किससे स्वयंवर करती हैं, किसके गले में माला डालती हैं, वह कल के प्रकरण में। और आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान शिव की सब पर कृपा बनी रहे, सब लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें और सबका जीवन आनंदित रहे और प्रसन्न रहे, सब लोग सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके मंगल भविष्य की कामना, सबका धन्यवाद।